आईपीसी रिवीजन सीरीज वीडियो नंबर 8 है ये, और इन सब वीडियोस के बारे में मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको लेक्चर के एंड में दूंगा। सबसे पहले आइए आज के क्वेश्चंस की सॉल्यूशन लेते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने पहले ही आपको अपने ब्रॉडकास्ट मैसेजेस के थ्रू भेज दिए थे। आपको भी अगर ब्रॉडकास्ट मैसेज चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। विच सेक्शन डील्स विद द डॉक्यूमेंट। आईपीसी का एक सेक्शन है जो डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करता है। अब ये डॉक्यूमेंट वर्ड है, ये बहुत सारे लॉज के अंदर यूज होता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ोगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ोगे, इंडियन स्टाम्प एक्ट पढ़ोगे, और भी बहुत सारे कई कानून हैं जहाँ पे ये कंसेप्ट यूज होता है। तो आईपीसी का सेक्शन 29 है। आज के सभी मैक्सिमम क्वेश्चन इसी सेक्शन पर बेस्ड हैं। तो ये इसके अंदर दो एक्सप्लेनेशन है, इलस्ट्रेशन भी दिए हैं। आप किसी इस सेक्शन को पढ़ लीजिए, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो फिर आप ये क्वेश्चंस को समझने में आपको आसानी रहेगी। किसी भी एक सिंपल भाषा में बताऊं, कोई भी एनी टाइप ऑफ रिटन वर्क इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट में आपको कंफ्यूजन नहीं है। आप एक बात नोट कर लीजिए, आपको डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट दोनों के अंदर डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है। आइए आज के इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे। लेक्चर नहीं है ये, बेसिकली मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट मैसेजेस के थ्रू कुछ क्वेश्चन सेंड किए थे, उसका सॉल्यूशन सिर्फ बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट कैन बी एक्सप्रेस एज फॉलोइंग, लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। जैसे भी मैंने बताया कि किसी भी मुद्दे पर, किसी भी सब्सटेंस पर, एक वर्ड यूज हुआ है सेक्शन में, सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब है मैटर, कोई भी मुद्दा, कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज, उसको उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। वो एक्सप्लेनेशन शब्दों के थ्रू हो सकती है, फिगर्स के थ्रू हो सकती है, मार्क्स के थ्रू हो सकती है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट कहेंगे। यानी कोई भी किसी भी प्रकार का रिटन वर्क है उसको डॉक्यूमेंट हम कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, हाउ मेनी एक्सप्लेनेशंस आर देयर इन डॉक्यूमेंट इन सेक्शन 29। देयर आर टू एक्सप्लेनेशंस। दो एक्सप्लेनेशंस के थ्रू लेजिस्लेचर आपको समझाना चाहता है कि डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है। बहुत सारे कानून हैं जिसमें ये कंसेप्ट यूज होता है। आप इस चीज को ध्यान से समझिए। कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 9818050252। और फोर्थ क्वेश्चन है, चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट और नोट। यस, चेक मैंने बोला कि किसी भी टाइप का रिटर्न वर्क है। चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट और नोट। यस, चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट। चेक अपॉन अ बैंकर का मतलब क्या होता है, जब भी आप खाता खोलते हैं तो आपका बैंकर आपको एक चेक बुक देता है, फिर आप उस चेक को अपने बैंकर पर लिखते हैं, और लिखकर आप उस अपनी किसी पार्टी को पेश करते हैं, और वो चेक जो है एक्चुअली वो एक बैंकर के ऊपर लिखा जाता है। लीगल टर्मिनोलॉजी में बोलने में ऐसा ही आता है। फिर आप अपनी किसी पार्टी को उसे देते हो, और फिर वो बैंक में प्रेजेंट किया जाता है पेमेंट के लिए। चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट और नोट। यस, इट्स अ डॉक्यूमेंट। चेक को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंस्ट्रूमेंट भी माना गया है। अगर किसी चीज को आप इंस्ट्रूमेंट मान रहे हो तो डॉक्यूमेंट तो है ही। यानी इंस्ट्रूमेंट होने के लिए, लीगल इंस्ट्रूमेंट होने के लिए डॉक्यूमेंट होना पहली स्टेज है। कोई डॉक्यूमेंट होगा तभी वो लीगल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ चेक को, इसीलिए। बाकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर भी हमारे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाया करेंगे। इस पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट। यस, पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट है। इस चीज को आप मेंशन कर लीजिए। या ये क्वेश्चन सुपर हिट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। शाबाश। सिक्स क्वेश्चन था, इज अ मैप और प्लान विच नॉट इंटेंडेड टू बी यूज एज एविडेंस इज डॉक्यूमेंट। नो, इज मैप और प्लान विच नॉट इंटेंडेड टू बी यूज एज एविडेंस इज डॉक्यूमेंट। आप सेक्शन पढ़ोगे 29 पढ़ोगे तो उसमें इस चीज के लिए नो कहा गया है कि नहीं। आर रिटन राइटिंग कंटेन्स एनी डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन इज अ डॉक्यूमेंट। यानी किसी भी तरह का लिखा हुआ काम को हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। सेक्शन 29 आप पढ़ लीजिए। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को एक मैसेज करिए, मैं आपके डाउट को दूर करूंगा।